दो वर्ष पूर्व देश ने हम लोगों पर एक नई जिम्मेवारी दी और लोकतंत्र का ये महात्म्य है कि लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार का निरंतर आकलन होना चाहिए। कमियां हो अच्छाइयां हो उसका लेखा जोखा होना चाहिए। दो साल के कार्यकाल की ओर नजर करने से इस बात का भी एहसास होता है कि हम जहां पहुंचने के लिए चले थे वहां पहुंच पाए कि नहीं पहुंच पाए, जिस दिशा में निकले थे वो दिशा सही थी या नहीं थी, जिस मकसद से चले थे वो मकसद पूरा हुआ कि नहीं हुआ। और जब दो साल का लेखा जोखा करते हैं तो आने वाले दिनों के लिए एक नया आत्मविश्वास न सिर्फ सरकार में लेकिन देशवासियों के दिल में भी पैदा होता है। पूरे देश में मैं देख रहा हूं कि पिछले करीब करीब 15 दिन से भारत सरकार के हर काम का बड़ा बारीकी से मूल्यांकन हो रहा है। हर पहलू को बारीकी से देखा जा रहा है। और मैं आज देशवासियों के सामने बड़े संतोष के साथ खड़ा हूं, इतनी बारीकी से जांच पड़ताल होने के बावजूद हम एक नए विश्वास को प्राप्त कर पाए हैं, नए उत्साह को प्राप्त कर पाए हैं और जनता जनार्दन के आशीर्वाद हर दिन बढ़ते चले जा रहे हैं तो हमारा काम करने का उत्साह भी बढ़ता चला जा रहा है। मैं उन लोगों के लिए तो कुछ कह नहीं सकता हूं कि जिनका राजनीतिक कारणों से विरोध करना अनिवार्य होता है और वो स्वाभाविक भी है लोकतंत्र में, लेकिन देश ने पिछले 15 दिन में दो बातें स्पष्ट देखी है। एक तरफ विकासवाद है, दूसरी तरफ विरोधवाद है। और विकासवाद और विरोधवाद के बीच में ये जनता जनार्दन दूध का दूध और पानी का पानी करके क्या सत्य है, कितना सत्य है, इसको भली भांति नाप सकती है। अनेक विषयों पर चर्चाएं हुई है और इसलिए मैं इन बातों को यहां दोहराना नहीं चाहता, लेकिन चिंता उस बात की जरूर होती है
मुद्दों के आधार पर, हकीकतों के आधार पर हर काम का कठोरता से मूल्यांकन होना लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। लेकिन कहीं हम ऐसी गलती न कर दें जो देश को बिना कारण निराशा की गर्त में धकेलने का प्रयास करती हो। कहीं कहीं पर यह बातें नजर आती है जिसमें हकीकतों का आधार नहीं होता है, लेकिन उस पर इस प्रकार की स्थितियां सवार हो जाएं ये कभी कभी चिंता कराता है। सरकार के काम का लेखा जोखा पुरानी सरकारों के काम के संदर्भ में होता है। पहले क्या होता था, अब क्या हो रहा है, इसका तुलनात्मक अध्ययन होता है। हम बिल्कुल ही बीती हुई सरकारों की बातों को ओझल कर दें और अचानक ही चीजों की चर्चा करेंगे तो शायद सही मूल्यांकन नहीं कर पाएंगे। अगर आज मेरी सरकार ये कहे कि हमने कोयले की समस्या का समाधान किया, आप कल्पना कर सकते हैं अचानक सुप्रीम कोर्ट कोयले की खदानों के लाइसेंस रद्द कर दे और बिजली के कारखानों में कोयले का संकट पैदा हो जाए और ऐसी विकट स्थिति में, जबकि पूरी सरकार कोयले के भ्रष्टाचार के कारण देश के अंदर बदनामी भुगत चुकी हो, दो साल पहले कोई अखबार, कोई दिन, कोई टीवी, कोई चैनल, कोई चर्चा, कोई भाषण इन भयंकर भ्रष्टाचारों से अछूता नहीं था। लेकिन आज अगर मैं ये कहूं कि ऑक्शन किया, ट्रांसपेरेंट वे में किया, अब तक इस पर कोई सवाल या निशान नहीं लगा है, देश के खजाने में लाखों करोड़ों रुपया आना तय हो चुका है, राज्यों के खजाने में भी पैसा जा रहा है, इतना ही नहीं जहां कोयले की खदान है वहां हमारा ज्यादातर आदिवासी समाज के लोग रहते हैं, उनके कल्याण के लिए उसमें से फंड निकलने वाला है। ये सारी बातें अगर ऐसे ही मैं कह दूं तो लगता है अच्छा अच्छा चलो भाई मोदी जी ने काम कर दिया, लेकिन इसकी ताकत तब समझ में आती है कि सुप्रीम कोर्ट को ऐसा क्यों करना पड़ा था, कोयले में इतना बड़ा भ्रष्टाचार क्यों हुआ था, वो कौन से तरीके थे और उसमें से देश को बाहर लाना, तब जाकर के समझ आता है कि काम कितना बड़ा हुआ है, काम कितना महत्वपूर्ण हुआ है। और इसलिए जब तक हम बीती हुई सरकार के दिनों को स्मरण करके वर्तमान के निर्णयों को परखेंगे तो हमें ध्यान में आएगा कि बदलाव कितना बड़ा आया है। इस बात से कौन इनकार कर सकता है कि दीमक की तरह भ्रष्टाचार ने इस देश को अंदर से खोखला कर दिया है, तबाह कर दिया है, हमारे हर सपनों को
चूर चूर करने की ताकत किसी एक दिमक में है तो उस दिमक का नाम है भ्रष्टाचार। और मैंने भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत ही सटल तरीके से एक के बाद एक कदम उठा करके हिंदुस्तान के जन मन को आंदोलित करने वाला इस इश्यू को स्पर्श करने का प्रामाणिक प्रयास किया है। और जब आप इनकी गहराई में जाओगे तो आप चौंक जाओगे। आप कल्पना कर सकते हो कि देश कैसे चला है। वो बेटी जो कभी पैदा भी नहीं हुई है देश की सरकारों के फाइलों में, वो बेटी विधवा भी हो जाती है और उस विधवा बेटी को पेंशन भी मिलना शुरू हो जाता है और सालों तक पेंशन जाता है। और कभी ऐसे भ्रष्टाचारों की चर्चा तक नहीं होती। हमने जब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम के अंतर्गत रसोई गैस उसकी सब्सिडी डायरेक्ट पहुंचाना शुरू किया, आधार से उसको लिंक किया, जनधन अकाउंट से लिंक किया, और कैसी अद्भुत परिणाम आया है देशवासियों को जान करके हैरानी होगी। अकेले रसोई गैस में इतने फर्जी नाम मिले, इतने फर्जी सिलेंडर की चर्चा निकली जिसको हमने लीकेज को बंद करने का प्रयास किया, करीब करीब 15,000 करोड़ रुपया आपकी अहक का पैसा बचा लिया। किसी के यहां रेड हो जाए और किसी के यहां से 50 करोड़ रुपया मिल जाए तो हमारे देश में हेडलाइन बन जाती है। 50 करोड़ मिल जाए तो बड़ी मेहनत करके योजना करके 15,000 करोड़ रुपया करीब करीब देश का बचाना। मैं कहता हूं मेरा देश मेरे इस एक काम के लिए भी ये कहेगा मोदी जी आप सही कर रहे हैं। आपको हैरानी होगी राशन कार्ड जिससे गरीबों के लिए सस्ते में अनाज मिलता है, केरोसिन मिलता है, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। हमने जरा जांच पड़ताल शुरू की भाई कारोबार क्या चल रहा है, क्योंकि गरीब की थाली में जो चावल जाता है उसको तो यही लगता है कि मुझे 3 रुपए में चावल मिला या 2 रुपए में मिला या 1 रुपए में मिला, लेकिन उस गरीब तक वो बात नहीं पहुंचती है कि उसकी थाली में जब चावल जाता है तो 1 किलो पर 27 रुपया भारत सरकार के खजाने से जाता है, उसे पता नहीं है। तब जाकर उस थाली में 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपए में चावल आता है और वो राशन कार्ड से होता है। अभी तो मेरा काम चल रहा है लेकिन जितना हुआ है अब तक 1,62,00,000 से ज्यादा फर्जी राशन कार्ड हमने खोज के निकाले। 1,62,00,000 फर्जी राशन कार्ड, मतलब उस राशन कार्ड पर जो भी जाता था वो किसी के जेब में तो जाता था, कहीं तो बेईमानी होती थी। हरियाणा सरकार ने एक मुहिम चलाई हमारी इस आधार की योजना के तहत, जनधन की योजना के तहत, मोबाइल कनेक्टिविटी की योजना के तहत,
मुझे बताया गया केरोसिन, फर्जी केरोसिन लेने वालों की संख्या 6 लाख निकली एक छोटे से राज्य में। ये 6 लाख लोगों के नाम पर सब्सिडी वाला केरोसिन जाता था, वो केरोसिन कहां जाता होगा? डीजल में मिक्स करने के लिए जाता होगा, वो पॉल्यूशन करने के लिए जाता होगा, किसी केमिकल फैक्ट्री के काम आता होगा, और सरकार के खजाने से पैसा गरीब के नाम से जाता होगा। 6 लाख राशन कार्ड, 1 लाख 1 करोड़ 62 लाख राशन कार्ड, 6 लाख केरोसिन के। अभी हमने इस योजना के तहत एक प्रदेश में 540 करोड़ रुपया बचाए, 540 करोड़ रुपए किस बात का? तो फर्जी टीचर तनख्वाह जा रहा है, यूनिफॉर्म जा रहा है, स्कूल के लिए मध्यान्ह भोजन जा रहा है। क्यों? तो टीचर होगा तो स्कूल होगी होगी। ये सारी जांच पड़ताल में से सब खुल रहा है, और उसका परिणाम क्या आया है? मोटा मोटा हिसाब में लगाऊं तो करीब 36,000 करोड़ रुपया, 36,000 करोड़ रुपीज ये लीकेजेज रुक गया है। ये करप्शन जाता था रुक गया है, और ये एक साल के नहीं, नहीं ये हर वर्ष इतना बचने वाला है, और अभी तो शुरुआत है, एक नई सुबह है। कुछ लोग कहते हैं कि मोदी जी आप इतनी मेहनत करते हो, इतना काम करते हो, आपका इतना विरोध क्यों होता है, रोज आपके खिलाफ इतना तूफान क्यों चलता रहता है, आप अपना कोई कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी ठीक बनाओ, आप मीडिया से कुछ बात करने का कुछ करो। मुझे बहुत लोग समझाते हैं, अब उनको मैं कैसे समझाऊं कि भाई जिन लोगों की जेब में 36,000 करोड़ रुपया जाता था जो मोदी ने बंद करवा दिया, तो मोदी गाली नहीं खाएगा तो क्या खाएगा? लूट चलाने वालों को कैसी कैसी परेशानियां होती होगी, इसका अंदाज हम भली भांति कर सकते हैं। मैं कई ऐसे विषय बताता हूं जिस पर हमने 2 साल में बड़े सटीक तरीके से इनिशिएटिव लिए हैं, और उसका परिणाम आज ये दिखने को मिला है। आप देखिए, कभी एलईडी बल्ब कितने रुपए में बिकता था, आज कितने रुपए में बिकता है? कहीं पर 200, 250, 300 तक एलईडी बल्ब की कीमत थी, आज वो 60, 70, 80 पर आ गई। अगर हमारे देश में हम कहीं बिजली का कारखाना लगाएं और हम घोषणा करें कि 2 लाख करोड़ रुपयों के बिजली के कारखाने लगेंगे, या 1 लाख करोड़ रुपयों के बिजली के कारखाने लगेंगे, तो हमारे देश के जितने आर्थिक विषयों पर लिखने वाले अखबार हैं वो हेडलाइन बनाएंगे कि मोदी ने एक बहुत बड़ा भारी सपना देखा है, 1 लाख करोड़ रुपया के बिजली के नए कारखाने लगेंगे, ये होगा, वो होगा, टिकना होगा, फलाना होगा। कोई ये भी लिखेगा मोदी बातें करता है लेकिन रुपये कहां से आएंगे, 1 लाख करोड़ कहां से, सब बातें हो सकती है, लेकिन इस बात की चर्चा नहीं होगी कि एलईडी बल्ब के कैंपेन के कारण जिन 500 शहर को हमने टारगेट किया है, उन 500 शहर में अगर हम 100% एलईडी बल्ब पहुंचाने में सफल हो गए, और होने वाले हैं, जिस दिन वो काम पूरा होगा, इस देश में करीब करीब 20,000 मेगावाट बिजली बचने वाली है। 20,000 मेगावाट बिजली बचने का मतलब होता है
एक लाख करोड़ रुपए की बिजली के कारखाने की लागत जो है वो बचने वाली है, लेकिन 60-70 रुपए के एलईडी बल्ब में कोई न्यूज का विषय हो सकता है क्या? उसमें क्या खबर है जी? और इसलिए हम लोग जो तेज गति से बदलाव ला रहे हैं और जो बदलाव आज देश अनुभव कर रहा है, एक के बाद वो योजनाएं जो अब किसी ने कल्पना की थी हमारे देश में, हमने देखा होगा पिछले कई चुनाव देख लीजिए, चुनाव में चर्चा क्या होती थी, चुनाव में चर्चा रहती थी कि गैस सिलेंडर 12 होने चाहिए कि 9 होने चाहिए, और बड़े बड़े लीडर घोषणा करते थे और दूसरे दिन अखबार में हेडलाइन छपती थी कि 9 सिलेंडर नहीं, अब गैस के 12 सिलेंडर दिए जाएंगे और 9 सिलेंडर से 12 सिलेंडर पर वोट मांगे जाते थे। उन दिन को याद कीजिए जब हिंदुस्तान में पार्लियामेंट के मेंबर को 25 रसोई गैस की कूपन मिलती थी एमपी बनने के नाते, और वो 25 कूपन से लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को, साथियों को, सपोर्टर को अब्लाइज करता था कि मुझे एक गैस कूपन दीजिए। मुझे बराबर याद है हमारे यहां अहमदाबाद में एयरपोर्ट पर एक अफसर थे, वो हर एमपी को जानते थे क्योंकि एयरपोर्ट पर जो आते जाते थे, हर एमपी को कहा करते थे कि एक गैस की कूपन दे दीजिए ना भैया, मुझे मेरा बेटा जो है अब अलग रहने गया है तो उसके लिए एक रसोई गैस की कूपन चाहिए, और साल भर एक भी एमपी उसको दे नहीं पाए थे। एक गैस कनेक्शन के वो दिन हम भूल न जाएं, ये मैं 5-7-10 साल पहले की बात कर रहा हूं, कोई बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा हूं। जिस देश में ये चर्चा होती हो और इस देश का प्रधानमंत्री बातों बातों में देश की जनता को रिक्वेस्ट करे कि आप गैस सब्सिडी छोड़ दीजिए, और मैं देश को नमन करता हूं 1,13,00,000 लोगों ने अपनी सब्सिडी छोड़ दी, क्या यह बदल नहीं है? यह जनमन का बदलाव नहीं है? यह देश में बदलाव नहीं है? देश के विकास के लिए जन भागीदारी का इससे बड़ा क्या उदाहरण हो सकता है? यह देश ने अनुभव किया है और हमने भी तय किया कि हम इन गैस सब्सिडी छोड़ी है। गरीब के घर में जो मां लकड़ी का चूल्हा जलाती है और दिन भर खाना पकाने के कारण करीब करीब 400 सिगरेट का धुआं उसके शरीर में जाता है, 400 सिगरेट जितना धुआं, उस मां की चिंता कौन करेगा? और हमने पिछले एक वर्ष करीब करीब 3 करोड़ से ज्यादा परिवारों को नए रसोई गैस के कनेक्शन दे दिए। आजाद हिंदुस्तान में एक साल में इतना बड़ा काम कभी नहीं हुआ है, और हमने ठान ली है कि आने वाले 3 साल में 5 करोड़ परिवार जिनके पास आज रसोई गैस नहीं है उनको हम पहुंचाएंगे, क्योंकि वो गरीब परिवार है। मध्यम वर्ग तक तो रसोई गैस पहुंचा है, निम्न मध्यम वर्ग तक नहीं पहुंचा है, गरीब के घर नहीं पहुंचा, झोपड़ी का तो सवाल नहीं है, लेकिन हमने बीड़ा उठाया है। यह कैसे संभव हो रहा है? यह तब समझ में आएगा कि 9 सिलेंडर 12 सिलेंडर के लिए झगड़े होते थे, यह तब समझ आएगा कि एक पार्लियामेंट का मेंबर 25 गैस सब्सिडी की कूपन के कारण गर्व अनुभव करता था किसी को रसोई गैस देने का। उस दिनों के सामने 5 करोड़ गैस कनेक्शन, ये बदलाव है। और इसलिए स्केल देखें, क्वांटम देखें, स्पीड देखें, टारगेटेड ग्रुप देखें, तो आपको ध्यान में आएगा कि गरीबों के कल्याण के लिए, गरीबों की भलाई के लिए एक के बाद एक
कदम उठाए हैं। हमारा किसान, हम चाहे बारिश को तो कभी कभी कह देते भी बारिश नहीं आई, लेकिन हम धरती माता का क्या हाल करके रखा है इसकी वो भी चर्चा ही नहीं करते। किसान बेचारा बर्बाद हो जाए तो कह देते हैं भाई बीज खराब था या पानी नहीं आया, लेकिन हम इस चीज को नहीं देखते हैं कि हमने धरती मां को बर्बाद कर दिया है। हमने इस मां का इतना एक्सप्लोइटेशन किया है कि आवश्यकता है हमारी धरती मां को बचाना, और इसलिए हमने सॉइल हेल्थ कार्ड का एक बड़ा मिशन लेके चल पड़े हैं। धरती की सेहत कैसी है, मिट्टी में कौन से गुण हैं, कौन सी कमियां हैं, किस प्रकार के फसल के लिए वो जमीन अनुकूल है, कौन सी दवाई चलेगी, कौन सा फर्टिलाइजर चलेगा, इंसान को जिस प्रकार से ब्लड टेस्ट करवाता है, यूरिन टेस्ट करवाता है, डायबिटीज है नहीं है वो तय करवाता है, ये धरती माता की भी वैसी परीक्षण का काम इस सरकार ने उठाया है। और देश के किसानों तक इस बात को हमने बड़े पहुंचाया है, और काफी मात्रा में किसान आज अपने सॉइल हेल्थ कार्ड के द्वारा इस बात के निर्णय करने लगे हैं कि क्रॉप पैटर्न को कैसे बदला जाए। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि देश के सामान्य मानवीय के जीवन में बदलाव लाने की दिशा में अनेक ऐसे काम हमने किए, और उसमें एक महत्वपूर्ण काम है, और मैं मानता हूं लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी पूंजी होती है, लोकतंत्र की पहली शर्त होती है कि शासकों के दिल में अपने जनता के प्रति अप्रतिम विश्वास होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए। हमने अब तक सरकारें चलाई है जनता पे अविश्वास कर रहा। मैंने एक दिन इनकम टैक्स ऑफिसरों की मीटिंग की थी, मैंने कहा आप व्यापारियों को चोर मान करके क्यों चल रहे हो भाई, क्या देश ऐसे चलेगा क्या? ये पूरी तरीका गलत है, सोच गलत है। हमने बदलाव शुरू किया। हमारे यहां तो अगर आप ग्रेजुएट हैं, कहीं अप्लाई करना है तो सर्टिफाई कराने के लिए किसी कॉर्पोरेटर या कोई एमएलए या एमपी के घर के बाहर कतार में खड़ा रहना पड़ता था, और वो आपका चेहरा भी नहीं देखता था, और उसका एक छोटा सा लड़का घर में बैठा थप्पा मार देता था, आपको सर्टिफाई कर देता, हां आपका सर्टिफाई कर दिया। अगर यही करना जरूरत क्या है? हमने कहा कोई जरूरत नहीं है, लोगों को कह दिया आप अपने आप ही सर्टिफाई करो और सरकार में भेज दो, जब फाइनल ऑर्डर होगा तब आप ओरिजिनल सर्टिफिकेट दिखा देना। हमने जनता जनार्दन पर भरोसा करना चाहिए, और एक बार आप ये देश उनका भी तो है, एक बार जनता पे हम भरोसा करते हैं आप देखिए आपको बदलाव आएगा। मैं एक दिन सुरेश प्रभु को कहता था, मैंने कहा सुरेश जी कभी ये तो घोषित करो कि फलानी तारीख को फलाने रूट पर ट्रेन में एक भी टिकट चेकर नहीं रहेगा। देखिए ये देश के लोग ऐसे हैं, हम विश्वास करें, कभी ये भी करके देखना, हम कोशिश कर रहे हैं। मैं एक के बाद एक ये जो अफसरशाही चल रही है उसको दूर करने की कोशिश बड़ी भरपूर कर रहा हूं। ये लोकतंत्र है, जनता जनार्दन की ताकत ये सर्वाधिक होनी चाहिए, और उस दिशा में एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। अभी हमने एक निर्णय किया, ये निर्णय देश के नौजवानों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय है। हमारे देश में करप्शन का एक एरिया कौन सा है? नौकरी। वो रिटर्न टेस्ट देता है, लिखित परीक्षा देता है, तब तक तो ज्यादा चिंता नहीं रहती, बेचारा देता है और उसमें से इंटरव्यू कॉल आ जाता है, इंटरव्यू कॉल आ जाता है तो उसके मन में एक आशा जग जाती है, तो वो इंटरव्यू में क्या पूछेंगे, कैसे कपड़े पहन करके जाऊं, ये चिंता नहीं करता है। चिंता ये करता है इंटरव्यू कॉल आया है, कोई सिफारिश वाला मिल जाएगा क्या, कोई मुझे मदद करने वाला मिल जाएगा क्या, और कोई दलाल उसके यहां पहुंच जाता है कि देखो भाई तुम्हारा इंटरव्यू आया है, ये नौकरी चाहिए, पास होना है, इतना देना पड़ेगा। ये करप्शन का पूरा खेल इंटरव्यू के आसपास चल रहा है। हमने तय कर दिया भारत सरकार में वर्ग 3 और 4 के जो एम्प्लॉई हैं
कोई इंटरव्यू नहीं होगा, मेरिट लिस्ट पर कंप्यूटर तय करेगा कि पहले इतने लोग हैं, इनको नौकरी चली जाएगी। दो निर्णय गलत हो भी जाएंगे, लेकिन इससे देश को जो दीमक लगी है, इस दीमक से मुक्ति मिल जाएगी। और इसलिए एक के बाद एक ऐसे निर्णय हमने किए, और ये निर्णय पूरे निर्णय एक नए नए सोच के साथ है। और यही सबसे बड़ा बदलाव है कि देश के अंदर एक विश्वास भरना, संकल्प के साथ चलना और सामान्य मानवी की जिंदगी की आशा आकांक्षाओं को पूर्ण करने का निरंतर प्रयास करना। सरकार के दो साल के कामों पर मुझे अगर बोलना हो तो हो सकता है ये दूरदर्शन वालों ने एक सप्ताह भर यहां मेरे पूरा दिन भाषण रखना पड़ेगा, इतने सारे अचीवमेंट्स। लेकिन मैं अचीवमेंट की चर्चा करने आपके बीच नहीं आया, मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूं। देशवासियों ने हमें भरोसा दिया, उस भरोसे को हम पूरा करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। और देश ने देखा है बद इरादे से कोई निर्णय नहीं किया है, मेहनत करने में कोई कमी नहीं रखी है, और राष्ट्रहित को सर्वोच्च रख करके, जन सामान्य के हितों को सर्वोत्तर करके हमने अपने आप को जुटा दिया है। टीम इंडिया का कल्पना लेकर के चले हैं, राज्यों को कंधे से कंधा मिलाकर के काम में जोड़ने का चले हैं। लेकिन यह बात सही है कि जिन्होंने आज तक खाया है उनको तो मुश्किलें आनी ही आनी है, उनको तो तकलीफ होनी ही होनी है। किसने खाया, कब खाया है, वो मेरा विषय नहीं है, लेकिन ये देश का रुपया है, गरीब का पैसा है, ये किसी औरों के पास जाने नहीं दिया जाएगा। इस काम पर मैं लगा हुआ हूं, उस दिन को तकलीफ होती होगी, होती रहे, हम देश के लिए काम करते रहेंगे, देश की जनता हमें आशीर्वाद देती रहे। मैं फिर एक बार आज इस अवसर पर आप सबके बीच आने का मुझे अवसर मिला, मेरी बात बताने का अवसर मिला, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं, धन्यवाद। देखो आसमान में खिलकर सूरज निकल रहा है, देखो आसमान में खिलकर सूरज निकल रहा है, देश का परचम अब ऊंचा उड़ रहा है, बरसों का अंधेरा रोशन हो रहा है, गरीब की रसोई से धुआं हट रहा है, मेरा देश मेरा देश मेरा देश, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। मेरा देश बदल